हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। मैं आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें मैंने इनलेट वाल्व का ऑटो कट के बारे में बताया है कि अगर ऑटो कट नहीं होता है, ठीक है, आपने सब कुछ करके देख लिया और उसके बाद भी ऑटो कट नहीं होता है, तो ये भी जो मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है इसको भी करना ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि देखिए, कोई भी असेंबली, कोई भी यूनिट है, कोई भी पार्ट है, तो उसके अंदर छोटे 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 पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो जितने पार्ट होते हैं, जितने हिस्से खुलते हैं, जितने हिस्से खुलने वाले होते हैं, वो सभी रिपेयरेबल होते हैं, सबको रिपेयर किया जाता है, सबको ठीक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें एक ये भी है जो मैं अभी जो वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें एक हिस्सा ये भी है जो आप लोगों को सब कुछ करने के बाद कहीं आप भूल गए, आपने नहीं क्लीन किया, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, ऑटो कट नहीं होता, ठीक है। तो उससे आप जो है इसको क्लीन करके वो ठीक कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने वीडियो बना दिया, आपने देखा, आपने एक ही वीडियो देखा जो मैंने पहले अपलोड कर रखा है, वो आपको नहीं पता है, वो आपने नहीं देखा है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसमें क्या है, आपकी जानकारी भी आधी अधूरी ही रहेगी। और दूसरा एक चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये वीडियो देखा है, इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि मैंने ये वीडियो देखा है और इसमें मेरी ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है फिलिंग की, या ऑटो कट नहीं हो रहा है, मैंने साफ करके देख लिया, ऑटो कट नहीं हो रहा है। इस तरीके से जो चीज़ें आप मुझे लिख कर कमेंट बॉक्स में देंगे, तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैंने पहले डाल रखा है या मैं फिर बाद में अपलोड करूँगा, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो उससे जो है आप पूरा नॉलेज हो जाएगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसको आप एक बार में, एक ही वीडियो में तो नहीं दे सकता हूँ मैं आपको, इसलिए छोटे छोटे अलग अलग करके बना के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दूसरा एक रिक्वेस्ट मुझे आप मेरा आप लोगों से कि सर देखिए, होता क्या है कि जब कोई किसी काम को करता है तो उसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, पॉसिबल हो तो अपने जानने वालों को शेयर करेंगे, तो मैं इस पे जो है और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करूँगा, ठीक है। और ये वीडियो मैंने जो दिया हुआ है इसको आप देख लीजिए, और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं भी 2 दिन में 2 4 दिन में डालूँगा। अभी एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि देखिए, होता क्या है कि आपने सपोज़ आपका सिस्टम ख़राब है, ठीक है, ओवरफ्लो फेयरिंग जो भी है, आपने एक ठीक करने वाले को बुला लिया, अब वो बंदा आया ठीक करने, उसने कहा देखा उखा इधर उधर, उसको समझ में नहीं आया, आपको नॉलेज है नहीं, तो उसने कहा सर ये तो रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो आपको पता है नहीं, तो आप तो कहेंगे कि ठीक है हमें तो ठीक करके लेना है, चेंज कर दीजिए। अभी एक बॉलकॉक आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको 1200-1300 रुपये से कम खर्चा नहीं बैठेगा ये तो, और लोकल ख़रीदेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो कहिए कि आपने लगाया और वो 10 दिन में फिर से ख़राब हो गया, वो रिपेयर भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो साल का 1200-1300 रुपये अगर आप लगाते हैं, साल 2 साल में तो एक बार ख़राब होता ही है, सबके यहाँ होता है, सबको करवाना पड़ता है, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, अगर आपको पता रहेगा सब कुछ तो आप खुद ही जो है 10 मिनट में ठीक कर सकते हैं उसको, मैक्सिमम 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, ठीक है, कोई मेहनत भी नहीं है ज़्यादा। तो इसलिए जो है मेरा आपको से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए मुझे, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों की तरह आप लोगों के साथ इसी तरीके से शेयर करता रहूँगा। तो इसको देख लीजिए, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक दो जो इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं एक दो लिंक तो मैं दे दूँगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ऑप्शन तो है ही आपके पास कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू आप लोगों को, और थोड़ा सपोर्ट करिए, मेरा रिक्वेस्ट। देखिए ये जो है ये चल रहा है, ठीक है, और इसको उठाने से भी ऑटो कट नहीं हो रहा, ठीक है, देखिए ये ऑटो कट नहीं हो रहा, पानी चल रहा है, चल रहा है, देखिए इसको मैंने उठा रखा है, देखिए
और इसमें जो फॉल्ट है ये ऊपर उठा दिया है, ऑटो कट नहीं हो रहा, पानी चल ही रहा है। उठा के रखा है इसको, इसको उठाने से भी ये कट नहीं हो रहा है। ये वर्क नहीं कर, हो जाएगा अगर अब इसमें दिक्कत यह आ रही कि देखिए इसमें ये कट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो काला काला इस पे कचरा बैठा हुआ है ये इसके अंदर पानी नहीं जाने देता है। रबड़ के अंदर ये साइड भी है और ये इस साइड भी है। देखिए काला काला कचरा बैठा हुआ है, ये कचरा जो है ये देखिए देखिए ये साफ किया पूरा ब्रश से। ये पूरा प्रॉपर साफ हो गया। ये साफ किया ये दोनों साइड में इसमें कट बने होते हैं। ये देखिए ये एक कट यहाँ बना हुआ है ठीक है, और इस साइड भी कटा हुआ है। और ये रबड़ इसको भी पूरी पूरी तरह से साफ कर लिया गया है ठीक है। सिद्धार्थनगर से आए कैसे हो? वो दिखा के सर कंपनी का जो आया था। ये किस चीज से आया? बस में चल रही है? नहीं नहीं बस नहीं, बाइक से। अपनी बाइक से अच्छे सिद्धार्थनगर। देखिए हम यहाँ से इसको ऑन कर दिए। नहीं सर रिबन कट गए चालू।
इसमें रबड़ के अंदर पानी जाना चाहिए, क्योंकि रबड़ के अंदर पानी नहीं जाएगा तो उसको नीचे वो प्रेस नहीं करेगा, इसलिए रबड़ साफ करना है। पूरा रबड़ भी साफ करने के बाद भी आपको फिर से उसकी किनारे के जो ग्रिप बना हुआ है, जैसे मैंने इसमें दिखाया था काला काला ब्लैक कलर का, वो भी जो है आपको साफ करना है, ठीक है।